जबलपुर आरटीओ के निलंबन के विरोध में पूर्व राज्य मंत्री हरेंद्रजीत सिंह बब्बू सहित सिख समाज आरटीओ कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे। इस दौरान आरटीओ के खिलाफ सिख संगत ने जमकर नारेबाजी की। वहीं धरने को लेकर मौके पर जिला प्रशासन व भारी पुलिस बल तैनात था, जहां कर्मचारियों के साथ कुछ झड़प की बात भी सामने आई है। वहीं पुलिस ने ऐसी कोई घटना से इनकार किया है। जहां धरने की मुख्य वजह आरटीओ द्वारा अपना काम करने आए सिख समाज के रांची निवासी प्रिंस भसीन ने आरटीओ संतोष पॉल पर आरोप लगाए थे कि विगत दिनों उन्होंने खरीदी हुई मोटरसाइकिल को अपने नाम कराने के लिए आरटीओ कार्यालय गए थे, जहां पूरे कागजात होने के बाद भी आरटीओ संतोष पॉल ने 2000 रुपए की मांग की थी। वहीं जब पैसे नहीं देने की बात कही तो आरटीओ संतोष पॉल ने प्रिंस भसीन से गाली गलौज कर भगा दिया, जिसकी शिकायत पीड़ित ने मांडोताल थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्यवाही के न होने के चलते धरना दिया गया। ये बोला कोरोना का टाइम है, बोले जिंदा है तो मेरी गलती है क्या, वो मरे क्यों नहीं अभी तक, अभी तक जिंदा क्यों है वो। और भी उल जलूल वगैरह करते हुए बोला, सामाजिक टिप्पणी करते हुए, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ माइक में, जो उन्होंने मुझे गंदे शब्दों का प्रयोग किया। इस कारण तुरंत मैं जाके माड़ोताल चौकी में जाके शिकायत करी। 10 दिन शिकायत रोज आने जाने के बाद भी मेरे ऊपर कोई कार्रवाई, कोई किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, मेरी सुनवाई भी नहीं हुई। तब जाके भैया को बताया, और इस बीच में मेरे पास इतना दबाव था कि मुझे मजबूरन आत्महत्या अपने ऊपर कार्रवाई करनी पड़ी, तो मेरी सुनवाई नहीं है, कोई है ही नहीं। इसकी बहुत शिकायतें लगातार हैं, हमने इसकी जांच सीबीआई लोकायुक्त एसटीएफ से कराने के लिए लिखा है। इसकी कितनी प्रॉपर्टी, कितने धंधे, क्या क्या शराब, अवैध वसूली का अड्डा बना हुआ है, गुंडे इसके अवैध वसूली कर रहे हैं। अरे नेशनल हाईवे बंद है, रायपुर रोड में खड़ा है, नागपुर रोड पे खड़ा है, भोपाल रोड पे खड़ा है, कटनी रोड पे खड़ा है, मंडला रोड में खड़ा है, सिर्फ अवैध वसूली कर रहे हैं। और गाड़ियाँ रखे, कल एक बहुत बड़ा व्हाट्सअप चला है, वीडियो वायरल हुआ है, और पंजाब की गाड़ी है, पंजाब का ड्राइवर है, वो पंजाब की गाड़ी, पंजाब का ड्राइवर जब दिखाया गया एसपी कलेक्टर से जाँच करेंगे। नंबर एक का लुटेरा, बहुत बड़ा भूमाफिया, और हर प्रकार का धंधा करता है, शराब पी लेगा ऑफिस में, शराब पी लेगा और शराब पी के पूरा काम करता है, और शाम को पूरा मंत्री महोदय जी को ये ज्ञापन सौंपा गया है। आरटीओ जबलपुर संतोष पॉल द्वारा दमनीत सिंह, प्रिंस भसीन को मानसिक प्रताड़ना देकर आत्महत्या करने को मजबूर करने वाले एवं अन्य गंभीर आरोपों में लिप्त अधिकारी पर FIR कर निलंबन की कार्रवाई के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। यह इसमें 28 बिंदु शामिल हैं, जो भी ज्ञापन में बिंदु लिखे हुए हैं ये चूंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के को है तो उन तक भी भेजा जाएगा, और पूरे बिंदुओं से संबंध में कलेक्टर महोदय और SP महोदय को अवगत करा करके जो भी इसमें न्यायोचित कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ CSP साहब भी हैं, उनने भी ये बताया कि जो पुलिस से संबंधित कार्रवाई हो वो करेंगे, और जो अन्य संबंधित कार्रवाई हो वो कलेक्टर माध्यम को अवगत कराकर उनके मार्गदर्शन में कार्रवाई करेंगे। वही सुबह से शुरू हुआ धरना देर शाम तक चलता रहा, जहां हरेंद्रजीत सिंह बब्बू ने कहा कि संतोष पॉल के कारण पूरे आरटीओ में अवैध वसूली का काम चल रहा है, गरीब जनता के ऊपर झूठे केस बनाकर उन्हें जेल भिजवाया जा रहा है। वहीं आरटीओ से प्रताड़ित होकर लोग जहर खा रहे हैं, बावजूद इसके उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। वहीं प्रशासन की रिक्वेस्ट के बाद धरने को ज्ञापन के माध्यम से समाप्त कर कार्यवाही की मांग की गई। अगर जल्द कार्यवाही नहीं होती है तो नेशनल हाईवे को जाम कर आंदोलन किया जाएगा। पोस्ट न्यूज के लिए जबलपुर से रोहित नायर की रिपोर्ट।